भाजपा ने मध्य प्रदेश के सीएम की घोषणा कर दी है। आज यानी 11 दिसंबर को हुए विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर मोहन उज्जैन जिले के उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। मोहन यादव हिंदूवादी नेता कहे जाते हैं, आरएसएस से इनका पुराना नाता है। इसके अलावा विवादित बयान देने में भी इनका नाम अक्सर सुर्खियों में रहा है। आइए जानते हैं कितनी बार विवादित बयान देकर फंस चुके हैं एमपी के नए मुख्यमंत्री। अक्टूबर 2020 में मोहन यादव का नाम तब चर्चा में आया था जब चुनाव आयोग ने इन्हें एक दिन के लिए चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित कर दिया था। डॉक्टर यादव के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दिए गए अमर्यादित भाषण की वजह से चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया था। दरअसल इन्होंने बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच कहा था कि हम अच्छों के साथ अच्छा करना जानते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा करने जाएगा तो घर से निकाल कर लाएंगे और हम जमीन में गाड़ने वाले लोग हैं। इनके इसी बयान की वजह से आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया था। विवाद नंबर 2, मोहन यादव का दूसरा विवाद दिसंबर 2022 में सामने आया। दरअसल उज्जैन के नागदा में कार सेवक सम्मान समारोह में मोहन यादव ने माता सीता को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। इसको लेकर इतना बवाल मचा था कि बाद में डॉक्टर यादव को माफी मांगनी पड़ी थी। दिसंबर में कार्यक्रम में कार सेवकों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था कि जिस सीता माँ को राम इतना बड़ा युद्ध करके लाए, उन्हें गर्भवती होने पर भी राज्य की मर्यादा के कारण छोड़ना पड़ा। आगे इन्होंने कहा कि सीता माता के बच्चों को जंगल में जन्म लेना पड़ा। वो सीता माता इतने कष्ट के बाद भी अपने पति के प्रति श्रद्धा रखती है और अपने कष्टों को भूलकर भगवान राम के जीवन की मंगल कामना करती है। मोहन यादव ने यह भी कह दिया था कि आज की भाषा में इसे आत्महत्या कहा जाता है। विवाद नंबर 3, एमपी के होने वाले मुख्यमंत्री का तीसरा विवाद बयान आया जनवरी 2022 में। इस बार इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महात्मा गांधी को देश का फर्जी पिता कह दिया था। मोहन यादव ने लिखा था कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर यादव ने आगे लिखा था कि परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे। इनके इस पोस्ट पर भी बहुत सियासत हुई थी। हालांकि कुछ देर बाद मोहन यादव ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। विवाद नंबर 4, नवंबर 2023 में डॉक्टर मोहन यादव फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में आए। इस बार एक रैली को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने अपना आपा खो दिया और स्वर्गीय राम यादव और कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव के पिता के लिए अपशब्द कह डाला। इन्होंने कहा था कि सुन लो रे कांग्रेसियों, तुम्हारी औकात ही क्या है। डॉक्टर मोहन यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। कांग्रेस नेताओं के पिता के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मोहन यादव ने कहा कि तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया है, तुम्हारी औकात क्या है।